जहां पाइप खत्म होती है ना वहां तुम्हारा अब्बू मिल जाएगा तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एएम लाइफस्टाइल में आपको खुशामदीद। और आज जो है मैं आपको एक चीज़ करने लगी हूँ, लहसुन ग्रो करने लगी हूँ। ये फर्स्ट टाइम है मेरा, मैंने एक दफ़ा पहले किया है लेकिन वो मिट्टी ज़्यादा अच्छी नहीं थी तो काफ़ी लेट हुआ। अब मैं दोबारा से करने लगी, मैं बनाने लगी हूँ। वैसे तो कहते हैं कि अक्टूबर की 10-12 तक लहसुन लगा लेना चाहिए, लेकिन हमने लगाया था वो काफ़ी देर से निकला है वो। तो अब ये है कि मैं ये चाह रही हूँ कि थोड़ा सा लहसुन मैं और लगा दूँ। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं उसमें क्या क्या करने लगी हूँ, क्योंकि मैं इतनी मास्टर तो नहीं हूँ, अभी मैं सीखती रहती हूँ। पहले छोटे मोटे पौधों के बारे में ज़्यादा मुझे नॉलेज थी, लेकिन अब ये फर्स्ट अटैम्प्ट है मेरा कि लहसुन को लगाने के लिए। तो मुझे आज बड़ी खुशी भी हो रही है, क्योंकि पहले थोड़ा उगाया था तो मैंने कहा चलो अब ज़रा और करते हैं कुछ। तो सो देखें क्या करती हूँ मैं। ये 100 रुपए की वो देते हैं और क्या, तो 100 रुपए की बंदा मट्टी ले बहुत सही रेट में मिल जाती है और क्या, तो क्या फायदा दूसरी गंद निकाल के। लगा रहे हैं क्योंकि मैंने देखा था, क्योंकि मैं जो कुछ भी सीखती हूँ यूट्यूब से ही सीखती हूँ, क्योंकि मेरा इससे पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं है। क्योंकि मेरे फादर के घर में भी जो कोई लगाता था ना वो माली लगाता था, तो मैंने तो कभी देखा नहीं था। तो वैसे काम बहुत किया है, इस तरह के काम बहुत किए हैं, लेकिन फूलों और पौधों के साथ किए हैं, इसमें नहीं किए थे। और अब जो है आज ये हमारा लग गया, तो अब हम थोड़ी सी इस पर हल्की हल्की सी आपने परत इस पे ऐसे डालनी है, फिर उसको दबाना नहीं है। उसको दबाएंगे तो फिर मसला है, इसको दबाना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ ऐसे ही ना मिट्टी डाल के ऊपर थोड़ी थोड़ी। तो हम इसके ऊपर अभी हल्का सा पानी का छिड़काव करते हैं। ये कोकोपीट वाला पानी पड़ा हुआ था तो मैं कोई भी पानी वेस्ट नहीं होने देती, तो मैंने कहा कि ये इसको डाल के, ये मैंने क्रेट में लगाया है जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये क्रेट है, इसके अंदर हमने गत्ता बिछाया है और उसमें हमने ये सारी कार्रवाई की है। और एक लहसुन रह गया हमारा, इसको तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपके देखने के लिए। अगर किसी के पास कोई अच्छी चीज़ की कोई भी रेसिपी हो तो थोड़ा सा अपना कीमती टाइम निकाल के प्लीज़ हमें भी ज़रूर बताया करें। और अगर किसी के पास छोटा सा अपना लॉन है, जैसे मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने कल अपनी बालकनी का छोटा सा जो लॉन है उन्होंने शेयर किया हुआ था, बहुत खूबसूरत था। इसी तरह ही सारे, चाहे आप एक पौधा लगाएं, एक गमला लगाएं, तो उसकी खूबसूरती को बढ़ाएं और उसको दिखाएं, पौधा भी खुश होगा, आपको भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो अब मौसम भी अच्छा आ गया, अब वैसे तो गर्मी में भी हम करते ही थे, कुछ ना कुछ करते रहते थे, लेकिन अब वेदर क्योंकि बहुत अच्छा है और आजकल तो बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे, मेरा दिल करता है मैं ज़्यादा टाइम बाहर ही गुजारूं। और अब आप सर्दियों के फ्लावर वगैरह लगाएं और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो खुदा का शुक्र है कि सारा वक्त जो है मुझे मुझे अपने फादर से ये जो है, ये जो आदत है मेरी, मेरे फादर ने मुझे दो चीज़ों की आदत डाली थी। जब हम छोटे थे सारे बहन भाई, तो हमारे फादर ने एक काम किया था बड़ा ज़बरदस्त, कि हम बहन भाइयों को हमारी एज के हिसाब से उन्होंने रिसाले लगवा के दिए हुए थे। बच्चों के रिसाले होते थे, मेरी जो बड़ी आपा हैं, जो बड़ी बहन है, उनको उनकी एज के हिसाब से उन्होंने रिसाला लगवा के दिया था, मुझे मेरे हिसाब से और मेरे भाई को उसके हिसाब से। और मुझे दो आदतें पड़ी हैं, मिली हैं विरसे में अपने फादर से।
उसकी जो एक तो है उसमें से गार्डनिंग, क्योंकि मेरी जो मदर हैं, खुदा उनके दर्जात बुलंद करे, उन्होंने कभी हमें अपने फादर से कोई काम होता था और पूछते थे ना कि अम्मा बजन कहाँ है, तो अम्मा ने कहना कि पाइप के साथ साथ जाओ, जहाँ पाइप ख़त्म होती है ना वहाँ तुम्हारा अब्बू मिल जाएगा तुम्हें। बच्चे हंस रहे हैं, तो हमने कहना हाँ अच्छा, फिर हमने पाइप के साथ साथ जाना तो अब्बा जाने, तो हमने कहना अब्बा जाना बंदर आ जाए, तो अब्बा जाने कहना वो पुत्र बाहर अंदर से घुटन होती है, बाहर बैठे करो, बाहर ठंड सही हवा लिया करो। और कुछ अरसा तो जो मेरा लाइफ का है, बहुत दूसरे तीसरे कामों में, बहुत सारे कामों में मैं गुजरा, लेकिन ये है कि अब आके मुझे ऐसे लग रहा है कि वाकई ये बात सही है कि माँ बाप कभी भी मरते नहीं हैं, क्योंकि हम उनको मरने देते ही नहीं हैं। उनके शौक, उनकी बातें, उनके किए हुए कामों को हम कंटिन्यू रखते हैं, उन्हीं को लेके आगे बढ़ते हैं, उनके जैसी ज़िंदगी गुजारते हैं, तो और मिलके उनकी बातें करते हैं, उनके जैसे काम करते हैं, तो कैसे मर सकते हैं हमारे माँ बाप, कभी भी नहीं मर सकते। तो जब उनके जो काम हैं, जो उन्होंने किए हमें बताए, जब हम उनको करते हैं, तो ये सारे काम जो हैं ये उनको ज़िंदा रखते हैं। और अब्बा जान ने अखबार भी दो दो तीन तीन लगवाए हुए थे, और एक अखबार ख़त्म हो जाता था तो दूसरा पढ़ने लग जाते थे, उससे मेरी अम्मा बहुत नाराज़ होती थी, कहती थी सारा दिन तुम्हारा जो अब्बू है ना अखबार में घुसा रहता है। तो अब्बा जान कहते थे खबर रखनी होंगी है, तो अम्मा ने कहना घर की भी खबर रखो, कि सारी दुनिया की खबर है तो घर की खबर ही नहीं। तो अब्बा जान ने कहना घर च की हुंदा पिया है, कि खबर नहीं हैगी मैनू दस दे। तो ऐसे बहुत अच्छा लगता था, अम्मा अब्बा जान की बहस तो होती होती थी अक्सर बातों पे, ज़्यादा तो इन्हीं बातों पे होती थी, एक तो बाग में ज़्यादा वक्त गुजारते थे इस वजह से, दूसरा होती थी अखबारों की वजह से। तो अब्बा जान के घर में बहुत सारे गुलाब और हर तरह के फ्रूट के दरख्त थे, बहुत ज़्यादा फ्रूट, हर चीज़, ग्रेप फ्रूटर, अमरूद, बहुत सारे पौधे अब्बा जान ने लगाए हुए थे, और खुदा का शुक्र है अभी भी हैं वो, और बहुत अच्छा वो लगता है। और मैं गुलाब के चक्कर में ही, देसी गुलाब है, दूसरा गुलाब नहीं है, जो दूसरे होते हैं इंग्लिश रोज़ेस, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो परमानेंट लगे रहते थे उन्हीं क्यारियों में, मेरे पास तो इतनी जगह नहीं है कि मैं परमानेंट, छोटा सा लॉन है मेरा, और लेकिन ये भी मुझे तो बहुत खूबसूरत लगता है और बड़ा मज़ा आता है मुझे इसमें काम करके, छोटे छोटे, बड़ा एनर्जेटिक फील करती हूँ मैं, क्योंकि अगर आप इसमें इन चीज़ों में दिल लगाएंगे ना, तो आपको ऐसे लगेगा कि हमारा, हम दुनिया में आए हैं बहुत अच्छा हुआ है, खुदा ने हमें बहुत अच्छी जगह पे भेजा हुआ है, इधर कितनी खुशी खुशी हम रहते हैं, कितना मज़ा आता है, इन सारी चीज़ों से आपको बहुत खुशी मिलती है। एक पत्ता भी जब बढ़ता है, एक पत्ता जब आप सुबह देखते हैं आके, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो मेरा रबड़ प्लांट है, ये रबड़ प्लांट है मेरा, ये वेरीगेटेड है, तो ये जब मैं लेके आई थी, अभी भी इसके जो नीचे वाले पत्ते हैं वो तो बड़े गिरे हुए हैं नीचे को, लेकिन ये काफ़ी, इसकी जो तबीयत है ना अपसेट थी, मुझे लगता है या तो धूप में पड़ा हुआ था या ओवर वाटरिंग थी, कुछ भी था समथिंग, मुझे सही वजह तो नहीं पता, लेकिन इसके हालात इतने अच्छे नहीं थे बेचारे के। तो फिर मैंने इसको लगाया और डिफरेंट किस्म की इसको खादें दी हैं, और वो आप जो आप नीचे देख रहे हो कि ये मैंने इसको नीचे ईंटें रखी हुई हैं, लेकिन अभी आप देखो क्रीप करके दिखाओ कि अब देखो उसके नए पत्ते, ये छोटे छोटे लाल वाले निकल रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमारे पौधे को मरने नहीं दिया, और बहुत अच्छा हो गया, और इस बात से मुझे बहुत खुशी होती है। मैं बाहर निकलती हूँ और आप यकीन करो कि मैं सोने से पहले भी इनको चेक करती हूँ, देखती हूँ सारों को, और सुबह उठ के भी, बिफ़ोर ब्रेकफास्ट भी मैं इन सारों को एक टूर मारती हूँ, तो फिर मुझे बड़ी खुशी मिलती है, तो फिर आके मैं कहीं इनको नाश्ता करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि हर वीडियो जो मैं डालूँ वो हम डालें, वो आपको मिलती रहे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।